यूं तो आपने कई बार सुना होगा कि ये उपाय करने से आपको पैसा मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की होगी, पर हम इन उपायों के बारे में आज कोई बात नहीं करेंगे। जी हाँ, आज हम इन उपायों के बारे में बात करने के बजाय आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसलिए यदि आप लक्ष्मी माँ को नाराज नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। बहरहाल हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जो लक्ष्मी जी के आगमन में बाधा बन सकती है। जी हाँ, वास्तु और ज्योतिष के अनुसार यदि ये चीजें आपके घर में हैं तो इन्हें फौरन घर से बाहर निकाल दीजिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पहला है कबूतर का घोंसला। इस लिस्ट में सबसे पहले कबूतर का घोंसला शामिल है। अब यूं तो कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है, पर इसके घोंसले को लेकर शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं। बता दें कि शास्त्रों के मुताबिक यदि आपके घर में या घर के बाहर कबूतरों का घोंसला है तो इससे आपके घर में बीमारी का प्रवेश हो सकता है और साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। इसीलिए यदि आप गरीब नहीं होना चाहते तो तुरंत कबूतर का घोंसला घर से बाहर निकाल दीजिए। दूसरा है मधुमक्खी का छत्ता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मधुमक्खी का छत्ता घर में होने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। जी हाँ, बता दें कि इसकी वजह से आपको घर में दरिद्रता, सदस्यों में तनाव, रोग और बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर आदि सब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपके घर की किसी कोने में मधुमक्खियों का छत्ता है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। तीसरा है मकड़ी का जाल। अब यूं तो घर में मकड़ी का जाल होना स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक माना जाता है। इसके अलावा यह देखने में भी गंदा सा लगता है। बता दें कि इससे शुभ कामों में रुकावट आने का भय भी रहता है। इसका प्रभाव आपके अच्छे भाग्य पर भी पड़ता है। गौरतलब है कि घर में मकड़ी का जाल होने से आर्थिक परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए अगर हो सके तो घर में मकड़ी का जाल लगने ही ना दें। चौथा है टूटा हुआ शीशा। गौरतलब है कि टूटे हुए शीशे को इंसान के फूटे भाग्य से जोड़ा जाता है, यानी इससे आपका भाग्य कमजोर होता है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार घर में टूटा हुआ शीशा होने से मानसिक शांति भी खत्म सी हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि टूटे हुए शीशे को घर से तुरंत बाहर फेंक दिया जाए। पांचवा है घर में चमगादड़ का होना। इसके अनुसार यदि आपके घर के आसपास या घर में चमगादड़ आते हैं तो ये दुर्भाग्य का एक संकेत है। जी हाँ, बता दें कि चमगादड़ बीमारी, दुर्घटना और तनाव को आमंत्रण देते हैं। इसलिए अगर हो सके तो शाम के समय अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखें ताकि चमगादड़ अंदर ना आ सके। छठवां है दीवारों में छेद। गौरतलब है कि घर की दीवारों में छेद का होना बेहद अशुभ माना जाता है। इन्हीं छेदों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और पैसे में कमी आती है। सातवां, नल से पानी का टपकना। यदि आपके घर के किसी नल से पानी टपकता है तो उसे जल्दी ठीक करवा लीजिए। वो इसीलिए क्योंकि एक तो पानी को ऐसे व्यर्थ करना गलत बात है और दूसरा जल को जीवन का रूप माना जाता है। इसलिए यदि पानी बर्बाद होगा तो इससे आपको ही नुकसान होगा। आठवां है घर की छत पर कबाड़ रखना। गौरतलब है कि जिस तरह किसी मनुष्य के सर पर भारी बोझ रखने से उसे तकलीफ होती है, ठीक उसी तरह छत पर कबाड़ रखने से उसका बुरा प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। इससे कई तरह की निजी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि आपके घर की छत पर कबाड़ पड़ा है तो उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिए और छत को साफ रखिए। बहरहाल यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में न केवल सकारात्मक ऊर्जा का बल्कि लक्ष्मी माँ का आगमन भी जरूर होगा। तो ये था फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी को नहीं करना चाहते नाराज तो घर से तुरंत बाहर निकाल दीजिए ये चीजें।